नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को इस सांप से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। इस कंडीशन के अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, पेशेंस थोड़ा सा कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और आप जैसे जातक मन मुताबिक काम करना या इंडिपेंडेंटली वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपके लिटिल फिंगर एकदम स्ट्रेट है, जो इस बात का प्रमाण है कि एक तो आप बहुत अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी आ रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः यहाँ पर करेंगे अपने मन की। वहीं जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉट तक पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे और ये एकमात्र रीज़न रहेगा जो आपको करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, क्योंकि इस कंडीशन में सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। चाहे किसी भी विपरीत परिस्थिति माहौल व्यक्ति क्यों ना हो, निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे उसका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन और है, लेकिन ये लिटिल फिंगर आपको कम्युनिकेशन पे कमांड देगा, तो इस कंडीशन में ओवरऑल ये करियर वाइज अच्छे सक्सेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल्स के मामले में तो ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब जैसे शॉर्ट फिंगर है आपका, तो आप आगे चल करके आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। यहाँ पर जो थर्ड फिंगर है उसकी लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। सूर्य की ये उंगली है जो कि खुद के पराक्रम, कोशिशों से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है। इस कंडीशन में कोई ज़्यादा सपोर्ट लाइफ में मिलता नहीं है, खुद के इनिशिएटिव लेने के बाद ही जीवन में सहयोग दूसरों का मिलने लगता है। सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबाई में जा रही है, तो इस कंडीशन में आप देने के लिए आए हैं, इसीलिए आपको हमेशा कहीं ना कहीं आगे से रह करके दूसरों को देना होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्यार, दुलार या धन, या आगे से रहकर के लोगों के लिए करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं किसी से कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन को अपने कम कर दीजिएगा, क्योंकि सूर्य की उंगली है। सूर्य वाले जातक जीवन में देने के लिए आते हैं और खुद के सिर्फ मेहनत पराक्रम से जीवन में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं किसी प्रकार का रिस्क भी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सूर्य आपको प्रेरित करेगा लाइफ में नया काम करने के लिए, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आगे चल करके बिजनेस में उतरने वाले भी आप रहेंगे प्रॉपरली। आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जो कि एक डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड टाइप ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता और बहुत सपोर्टिव जो है पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट और सेकेंड फिंगर है दोनों मर्ज है, जो अध्यात्म में रुचि को दर्शाता है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ अथवा रहस्य विद्याओं के प्रति ये रुचि को बढ़ाएगा, थोड़ी वैराग्य की भावना देता है, जिससे भीड़ से अलग रहने के योग बनते हैं। वहीं फिंगर के ऊपर आपके थोड़ी आड़ी रेखा भी है, जो रिश्तों में थोड़ा अनबन मतभेद देता है, लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा होने के कारण अपने तमाम तरह के रिश्तों को अच्छे से निभा पाने में या मैनेज कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो आपके नोड्स हैं वो यहाँ पर डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके बेसिक नेचर में भी रहेगा। अगर यहाँ पर यह तिल है तो ये तिल अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमेशा फैमिली लाइफ से ये स्ट्रेस देता है और इसीलिए फैमिली लाइफ में कभी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखने नहीं चाहिए, ताकि इमोशनल हर्ट होने से आप बचते रहें। फैलेंजेस यहाँ आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स थोड़ा वीक, जरा आपको फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरनल मार्स हमें स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाते हैं, और जब ये वीक देखने को मिलते हैं तो ईजिली हेल्थ के रिगार्डिंग फिर दिक्कतें आने लगती हैं। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसे चीज़ों को अपने जीवन में ऐड करें, और आपका जो थंब है फ्लेक्सिबल है, पीछे की ओर बेंड हो रहा है, तो इस कंडीशन में लविंग, केयरिंग नेचर को ही दर्शाता है। और बहुत जल्दी डिसीजंस या प्लानिंग अपने लाइफ में करना और उसके अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, ये भी आपके बेसिक नेचर पर रहने वाला रहेगा। वहीं जो पाम का आपका साइज है, पाम का साइज आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है और कभी भी अपने थिंकिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सेपरेटली बात की जाए जुपिटर के रिगार्डिंग, तो जुपिटर पर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये मैरिज थोड़ा डिले कराता है, और इस कंडीशन में मैरिड लाइफ में भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होता है, लेकिन ओवरऑल आड़ी रेखा यहाँ पर आपके स्पाउस के धार्मिक रहने के योगों को भी दर्शाता है, अथवा ये आपके लाइफ में इसका जो रोल है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि आप दयालु रहेंगे,
आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले रहेंगे, क्योंकि किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाएगा। पेट लवर, एनिमल लवर अथवा सोशल वर्कर देखने को मिलेंगे। प्योर धार्मिक रहेंगे और दानवीर किस्म का व्यक्तित्व तो रहेगा कि डोनेट करने में या कभी किसी की हेल्प करने में खासकर पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार के फॉर्मेशन में एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग का क्रिएट करके देता है, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स आती है तो वेल्थ ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होता है। और यहाँ पर जो आपका जुपिटर माउंट है थोड़ा दब रहा है, तो फैमिली लाइफ से अगेन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा या फैमिली लाइफ के मैटर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट मत होइएगा, क्योंकि इस कारण से आपका जो शुक्र है वो अफेक्ट बहुत हो रहा है। शुक्र पर जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो इसे हम अननेसेसरी वरीज कहते हैं, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अथवा फैमिली प्रेशर से आता है। तो इस कारण से जो खुद का हैप्पीनेस अथवा पीसफुलनेस है वो फिर हार्म होते हुए देखने को मिलता है, और जो रिलेशन है उसमें भी फिर दिक्कतें आने लगती है। इसलिए फैमिली मैटर्स को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हाइप मत करिएगा, हाइप इन द सेंस मतलब सर पे मत लेकर के चलिएगा, तो इससे लाइफ में स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। सैटर्न की स्थिति आपकी बेसिकली डेवलप्ड यहाँ ठीक है। सैटर्न माउंट थोड़ा सा जो है हल्का सा अंदर की ओर झुकता भी दिख रहा है, तो आपके काम बन तो सभी जाते हैं लेकिन थोड़ा सा देरी से बनने वाले रहेंगे। और अगर भाग्य रेखा के विषय में बात किया जाए तो मून के एरिया से भाग्य रेखा निकली है, जिसमें ऐड हो रहा है आपका सेल्फ मेड लक लाइन। ये वैसे बेसिकली लव मैरिज की तरफ भी इंडिकेशन देता है, लेकिन इस कंडीशन का जो सबसे मेन प्रिडिक्शन है वो ये रहता है कि मून बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, तो इस कंडीशन में पब्लिक सपोर्ट और सेल्फ मेड लक लाइन खुद के मेहनत को दर्शाता है। तो यानी पब्लिक सपोर्ट और खुद के मेहनत दोनों के यहाँ पर मिलन के अनुसार जीवन में आप तरक्की कर पाएंगे, तो इसीलिए कभी आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी, ऊपर से जो दूसरों लोगों का सहयोग मिलेगा उसके द्वारा भी आपको जीवन में पुश मिलते रहेगा कि आप आगे बढ़ते रहें। तो लोगों का सहयोग कैसे मिलता है? प्रोत्साहन से मिलता है, एक प्रकार से कनेक्टिविटी से मिलता है, लोगों का आपसे इमोशनल कनेक्शन होगा, तो इसीलिए आपको कंटिन्यू ग्रोथ आपके लाइफ में मिलेगा। तो ये ग्रोथ आपको बेसिकली अब आने वाले समय में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो यहाँ पर कंजंक्ट हो रही है वो 33 के एज में हो रहा है, तो 32 से और 33 के बीच में इसी एज से आपके लाइफ में कंटिन्यू ग्रोथ होने के चांसेस अवेलेबल हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा तकरीबन यही 32 और 33 में, क्योंकि हल्का सा रेखाओं में बिखराव आया, लेकिन उसके बाद पूरी स्टेबिलिटी के साथ और सीधे कंटिन्यू आपकी फेट लक लाइन जा रही है, जो करियर वाइज गुड सक्सेस को और अच्छे कंफर्टेबिलिटी को, अच्छे अर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। इवन राहु से भी आपकी भाग्य रेखा निकली, और राहु की भाग्य रेखा बहुत शुभ परिणाम देती है जीवन में। जो अचानक से धन लाभ होता है, अचानक से भाग्योदय होता है, उसका कारक है राहु। आज के टाइम में जो भी सोशल मीडिया पे भी रातों रात फेमस हो जा रहे हैं, एकाएक उसका भी कारक होता है राहु। तो इसीलिए ये राहु लाइफ में आपको इससे बहुत अपॉर्चुनिटी देगा, जिसमें पैसा बहुत अच्छा बना पाएंगे, और ये गुप्त धन देता है, ब्लैक मनी जब भी इसे हम कहते हैं। लेकिन ऐसे आपका जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से जुड़ रहा है, तो इस कारण से आपको इमोशनल नेचर भी देगा और एक प्रकार से सच्चा इंसान भी बनाएगा, तो आप कोई गलत काम अपने जीवन में नहीं करेंगे। लेकिन ये राहु बहुत अपॉर्चुनिटी देगा आपको मल्टीपल और ट्रिमेंडस अर्निंग सोर्सेज के रिगार्डिंग। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है मोस्ट प्रोबेबली आपको 36 के एज के बाद में देखने को मिलेगा। और अगर शनि की स्थिति की सेपरेटली बात करें तो यस, यहाँ पर फेट लाइन पहुँची हुई है, तो ये भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को दर्शाता है, और आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के आदिपन है आपके अंदर। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, तो आपका जो ज्ञान रहेगा दूसरों के काम डेफिनेटली अच्छा आएगा, तो इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन बहुत अच्छा दे पाते हैं, इसलिए कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग भी वर्क करना फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। सूर्य की स्थिति में पहले क्या दिख रहा है, वी सिंबल का साइन है, फिर उसके बाद आगे चल करके सनलाइन स्ट्रांग हो रहा है। करियर वाइज थोड़ा सा ये डिफिकल्टी ऐसा देता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा देते हैं, जिसके अंतर्गत डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, और एक से ज़्यादा कला होने के कारण फोकस में थोड़ी सी कमी देता है। और ये करियर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफनेस देता ही है, क्योंकि सूर्य का काम है संघर्ष दिखाना और जीवन में संघर्ष के बाद सफलता देना। तो आगे चल करके जो एक सिंगल लाइन हुई है और एक जो सपोर्टिव लाइन आई है, ये इस बात का प्रमाण है कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में रहेगा। ऊपर से जो नेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी है, ये आप खुद के दम पर अचीव कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो ये सूर्य आपको सेल्फ मेड यहाँ पर्सनैलिटी तो दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल जो ग्रेट सक्सेस या अचीवमेंट है उसको भी यहाँ पर यह डिनोट कर रहा है। फादर को बहुत ताप सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे। और एक शाखा जो बीच में भी जा रही है, बीच अर्थात बुध और सूर्य के बीच में, तो इस कंडीशन में खुद के दम पर सर्वप्रथम प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाते हैं, और प्रॉपर्टी के तो बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशंस भी आपके पाम में, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन देखने को मिल जाएगा,
यहाँ पर एक आपको स्टार का साइन देखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे साइन प्रॉपर्टी में, मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो इसीलिए धन धान्य से संपन्न अपने जीवन में रहेंगे। आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप ठीक है, और यहाँ क्या है कि हल्की हल्की सी रेखा भी अवेलेबल है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर खासकर और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ये रेखा और जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी आपका मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट और इम्प्रूव होता जाएगा। इस कंडीशन में आगे से रह करके बात करना, मीठी बोली का उपयोग करना, कम्युनिकेशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसी चीज़ों का यूज़ करने से बिजनेस लाइन में बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प तो करेगा ही, लेकिन ओवरऑल अगर प्रोफेशनली हम बात करें तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना होगा। वैसे मरकरी आपका रिएक्शन भी अच्छा दे रहा है, कोई ख़राब है नहीं। बिजनेस सेंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन सेंस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर वैसे भी बहुत अच्छी है। हृदय रेखा में मल्टीपल्स लाइन जो नीचे की तरफ इसे आती है, तो ये सेवा भाव किस्म का नीचे देता है, तो आगे से लेकर के दूसरों की मदद करते हैं। और वहीं जो हार्ट लाइन है आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर के चल रहा है, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ पर आने लग रहे हैं। हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, और आप इमोशनल जो है एक प्रकार से हर्ट भी हुए हैं अपने लाइफ में, होते दिख रहे हैं, क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है वो सीधे यहाँ पर बारीकी से देखेंगे तो एक बार सेटन पर ब्रेक लिया, जो हिडन टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसमें अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, प्रैक्टिकल नेचर देता है। लेकिन जब रेखा यहाँ पर ओवरलैप करके जुपिटर की तरफ जा रही होती है, तो ये थोड़े भावुक किस्म का नेचर देती है, जिसके अंतर्गत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड फिर पर्सनैलिटी होना। इसलिए कभी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, ताकि इन फ्यूचर भी इमोशनल हर्ट ना हो। और हेल्थ के रिगार्डिंग आपको वैसे भी काम करना ही, आप अपने इंटरनल मार्क्स पे काम करिए, आपको फिर हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे, तो माइंड लाइन के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके छोटे छोटे आइलैंड लाइफ लाइन और माइंड लाइन के द्वारा बने हुए हैं। और अगर इस एज को देखेंगे तो ये एज निकलता है 19 से लेकर के तकरीबन 22 के बीच में। इस पीरियड में हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ इशू, ये दोनों आपको देखने को मिला, जिसके अंतर्गत जो ग्रोथ है वो पूरी रुक गई थी, और इंडिपेंडेंसी फिर देरी से देखने को मिल रही है। उसके बाद जो आपकी यहाँ पर माइंड लाइन है, वो माइंड लाइन बायफोर्ग का साइन लेकर के चल रही है, और इसका एज हम देखेंगे तो ये 35 है। 35 से जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग है वो भी ये दिखा रहा है, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी दिखा रहा है। ये बायफोर्ग का साइन इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, और खुद के द्वारा लिए गए निर्णय से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। इसी माइंड लाइन और आउटर मार्स के जो है एक प्रकार से कंजंक्शन के कारण, और मरकरी लाइन के कंजंक्शन के कारण आपके हथेली में स्टार का साइन बन गया। ये स्टार का साइन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये स्टार आउटर मार्स पे होने के कारण ये कॉम्पिटिशन को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, यानी आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़ीरो रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिशन को थोड़े बहुत रणनीति लगा करके जीत सकते हैं। ये आपके शत्रुओं को भी ख़त्म कर देता है, जिसमें लाइफ में अगर कोई भी एक प्रकार से एनिमी बनता भी है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस कंडीशन में धनार्जन के योग होने के साथ साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के योग बहुत होते हैं, और जैसा कि आउटर मार्स है तो ये आपको साहसी बहुत बनाएगा, जिसमें तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल व्यक्ति का सामना डट करके कर पाएंगे, कभी किसी परिस्थिति माहौल से हारेंगे नहीं। इसलिए जब जब लाइफ में प्रेशर या ट्रबल आएगा, आप और स्ट्रांगली जो है रिएक्ट करने वाले रहेंगे, और कूल काम पर्सनैलिटी के रहेंगे, आपको एग्रेशन पर कंट्रोल रहेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मरकरी लाइन पे क्रिएट हुआ, इसलिए अपने खुद के साहस, कोशिश और पराक्रम के बदौलत व्यापार में अचानक से उन्नति हासिल करेंगे। और वैसे सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, तो इसलिए एकाएक जीवन में व्यापार में इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा आपके कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो ये सारे फॉर्मेशन बहुत सुपर्ब हैं, और ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये करेक्ट 35 के एज में आपको बैठेगा। और उस समय क्या रहेगा कि राहु का भी सपोर्ट मिलेगा, तो एकदम एकदम से बर्स्ट होगा, बर्स्ट मतलब एकदम से चीज़ें एक्सपांड होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए कभी किसी प्रकार का रिस्क लेने से आपको पीछे नहीं हटना है। और माइंड लाइन में बायफोर्क होना वैसे भी बहुत ज़्यादा सुपर्ब माना जाता है मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेंथ पावर को ये बढ़ा देता है। तो ये सारे फॉर्मेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, और ऊपर की तरफ जो रेखाएं ऐसी झुकती हैं तो ये बिजनेस माइंडेड भी बनाता है, तो मल्टी मिलियनेयर बनने के चांसेस यहाँ पर आपके पाम में अवेलेबल हैं। लाइफ लाइन के ऊपर बार बार आपकी राहु की रेखा आ रही है, ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस और हेल्थ के रिगार्डिंग भी स्ट्रेसेस देता हुआ दिख रहा है बार बार। पहले तो एक 19 से 22 का एज दिखा, फिर 24 से 26 दिख रहा है, फिर उम्र 33, 35 और 38 भी देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रोग्रेस लाइन्स भी हैं,
लेकिन हेल्थ के लिए ये फॉर्मेशन सही नहीं। तो राहु के थोड़ा आपको रेमेडी परफॉर्म करना ज़रूरी है। आपके काम कहीं ना कहीं बार बार बिगाड़ता दिख रहा है और आपको मेंटल टेंशन, स्ट्रेसेस, अनवांटेड जो प्रेशर होता है वो देता दिख रहा है। लाइफ लाइन का एक झुकाव बाहर गया और एक झुकाव शुक्र की तरफ आ रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर भी प्रॉपर्टी होने के चांसेस है, अथवा घर परिवार से जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए उनसे ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। इस कंडीशन में क्या रहता है कि हमेशा फैमिली के लिए डिवोटेड आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। और फिश सिंबल का साइन है, तो ये लंबी आयु भी देता है और स्वास्थ्य भी अच्छा यहाँ पर देता है। अंदरूनी मंगल पर काम करना है। आउटर मार्स तो डेवलप बहुत अच्छा है क्योंकि पॉजिटिव साइंस के साथ अवेलेबल है। बुक राइटिंग भी कर सकते हैं आप, उसमें भी लाभ है। शुक्र आपका डेवलप ज़्यादा, ये कामुकता ज़्यादा देगा। सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ये शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण जीवन जीवन के प्रति बड़े शौक हरमान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो ये लग्जरियस लाइफ का सबसे मेन कारक है, तो तमाम तरह की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में उठा पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ की जो आड़ी रेखा अगेन अननेसेसरीज वरीज देती है, तो इस कंडीशन में जितना हो सके किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेने से, लड़ाई झगड़ा झंझट, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, ताकि ओवरऑल एक प्रकार से लग्जरीज, सुख सुविधा अथवा जो मेरिड लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा खुशी और लाभ आपको जीवन में मिल सके। ऐसा शुक्र समृद्धि प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए सारे ड्रीम या डिज़ायर आपको ये कंप्लीट करके देगा। थोड़ा सा हाथ जो है खर्चीला होता है, लेकिन जो मनी ट्रायंगल है वो जो है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है आपके हथेली में, तो इसलिए जीवन में धन भी अच्छा आएगा, रुकेगा बचेगा भी। और बर्थ प्लेस से दूर इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि स्क्वायर का साइन चंद्र के ऊपर आ रहा है। इवन विंडो साइंस भी यहाँ पर क्रिएट होते दिख रहे हैं, ये सारे के सारे विंडो साइन के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स लाइफ में देखने को मिलता है जन्म स्थान से दूर ही। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन भटकाती है, रेस्टलेसनेस देती है, वैचारिक थोड़ा सा एक प्रकार से विचलित करती है। तो इस कंडीशन में राहु का रेमेडी करिए, तो मन भी शांत रहेगा और सेटिस्फेक्शन भी आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। वहीं लेफ्ट पाम में देखेंगे आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी मून से फेट लक लाइन निकल रही, तो इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है। बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट तो मिलता ही है, मदर सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है और मदर का गाइडेंस हमेशा आपको काम आएगा। दूसरी बात यह है कि इस कंडीशन में सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, और मन का करके सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और अंत में सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है, तो अपने पिताजी को भी लाभ पहुंचाने वाले या पिताजी की संपत्ति को बढ़ा पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।